तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन अन एनोनिमस है, गालिबन बहन अपना नाम नहीं बताना चाह रही होंगी। सवाल है, एक दिन आपने कहा था शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, इसकी तफसीलात फिर किसी दिन बताएंगे। तो आज बताइए प्लीज़ कि अल्लाह ताला ने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए लिबास क्यों कहा है? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हमने कहा था कि शौहर और बीवी लिबास हैं, उस आयत की हम दर्स दे रहे थे और रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद थी और वो आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो उसके मुतालिक हमने कहा था कि रमज़ान का रेलिवेंस बताकर हम आगे बढ़ गए थे और हमने कहा था कि फिर किसी मौके पर बताएंगे, लेकिन आज आप जानना ही चाहती हैं कि शौहर और बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए लिबास क्यों कहा है। तो आज तफसीलात बता देते हैं जहाँ तक इंसानों की अक्ल काम करती है। देखिए, लिबास का काम क्या होता है वो हमें गौर करना चाहिए। लिबास का सबसे पहला काम होता है कवर करना, करेक्ट? तो लिबास क्या होता है, हमारे आज़ा को कवर कर देता है और हमारे जिस्म में कुछ ऐप भी होते हैं, इधर उधर फैट होता है, वो सब भी कवर ही हो जाता है, ठीक है? तो शौहर और बीवी एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाले होते हैं। स्पाउस के लिए आया ना कि दोनों लोग एक दूसरे के ऐप को छुपाते हैं। बीवियों के लिए आया है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि फसालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब बिमा हाफिज़ल्लाह, कि नेक बीवियाँ तो फरमा बरदार होती हैं और वो गैब में पीछे पीठ पीछे हिफाजत करने वालियाँ, छुपाने वालियाँ होती हैं अल्लाह की हिफाजत से। तो बीवी और शौहर एक दूसरे के ऐब पोशी करते हैं और करना चाहिए, ना कि उनके ऐबों को आया करना चाहिए। लिहाजा शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं क्योंकि वो ऐब पोशी करते हैं। लिबास का एक और काम होता है जीनत देना, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में, या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा, ए बनी आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे सत्रों को ढके और तुम्हारे लिए मौजब जीनत हो। तो लिबास का काम जीनत देना भी होता है। लिहाजा शौहर और बीवी एक दूसरे को जीनत देते हैं, उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से सज जाती है, संवर जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं, सैडनेस चली जाती है। तो एक दूसरे के लिए जीनत का भी काम करते हैं। लिबास का लिबास को जंगी होते हैं जो हिफाजत का काम करते हैं, जैसे कि ज़िराह वगैरह। तो इसी तरह शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हिफाजत का काम करते हैं। वो हदीस आपने बिल्कुल सुन रखी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह आधा दीन को महफूज कर देता है। हाँ, यानी शैतान की जो विस्परिंग है गुनाह करने की वो ख़त्म हो जाती है और जायज़ तरीके से इंसान अपने जो टेम्पटेशंस हैं और जो उसके डिज़ायर्स हैं वो जायज़ जगह पे पूरी कर लेता है। इसलिए शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टर होते हैं, उसके दीन को की हिफाजत करने वाले होते हैं। लिबास कुछ सीजनल भी होते हैं जिसके कुछ सीजनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी ओकेजनल, यानी लिबास हमें गर्मी सर्दी और बारिश से बचाते हैं, बचाते कि नहीं बचाते। इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे के लिए सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। जब कभी शौहर बाहर से परेशान होकर आए तो बीवी को उसकी गमगुसारी करना चाहिए। जब बीवी मेंसेस में अपसेट है तो शौहर को थोड़ा लीनियंसी देना चाहिए, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वाही के बाद आए थे, जम मिलूनी कहकर आप बहुत ज़्यादा खौफ में पड़ गए थे, तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कितनी मोहब्बत से उनकी गमगुसारी की थी और वो अल्फाज तारीखी हैं और सही अल बुखारी की किताबुल वही में दर्ज हैं हदीस नंबर 3 में, कि
तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इतनी गमगुसारी करती है ना, तो ऐसे शौहर और बीवी दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के मौके पर जब गमगुसारी की ज़रूरत है गमगुसारी करें, जब मोरल डाउन हो रहा है तो मोरल बूस्ट करें, जब इंसान कम हिम्मत हो रहा है परेशान हो रहा है तो उसे हौसला दें, दोनों लोग एक दूसरे के लिए करें, जैसी सिचुएशन हो वैसे सामने वाला डील करें। लिबास को हम अक्सर ही हमेशा ही गंदगी और कीचड़ से बचाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने स्पाउस को भी हम गंदगी से बचाएं, उसको हक की तरफ बुलाएं और उसके अंदर जो वीकनेसेस हों उसको हाइड करें, उसको सब में आया करके उसके किरदार पर गंदगियां ना लगवा दें, ठीक है। तो हाइड करना चाहिए शोहर बीवी को एक दूसरे की, और उसके अंदर जो कमियां उसको दूर करने की कोशिश करें, बचाए, गुनाहों से बचाए और गंदगियों से बचाए एक बीवी अपने शोहर को और शोहर अपनी बीवी को। बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं लिबास से मिलाकर। लिबास हाँ, हम यूजुअली अपनी फाइनेंशियल जो हमारी इस्तेदात होती है उसके हिसाब से ख़रीदते हैं ना, जितना हम जितनी दौलत है उतने महंगे और जितनी कम दौलत है उतने सस्ते लिबास लेते हैं। तो हमें जो स्पाउस का सिलेक्शन है वो इस वे में होना चाहिए कि दोनों का सोशल स्टेटस करीब करीब बराबर हो, नहीं तो बहुत इम्बैलेंस आता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोशल स्ट्रेटा और सोशल स्टेटस का भी ख्याल रखना चाहिए जब कोई शौहर बीवी बनने जा रहे हैं। लिबास हम अपनी फिटिंग के हिसाब से लेते हैं, ना कि कितना भी बड़ा हमारा साइज़ लार्ज है और हम डबल एक्सेल पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, ठीक है। तो लिबास चूँकि अपनी फिटिंग के हिसाब से लिए जाते हैं, लिहाजा शौहर और बीवी का जो बड़े लोग चुनाव करते हैं, दोनों शौहर बीवी होने जा रहे हैं, तो उनके कफ वो मिला लेना चाहिए कि उनका मेंटल स्टेटस, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस, उनकी थॉट्स, उनकी एजुकेशन, वो उस कुछ मैचिंग है कि नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कुछ कपल्स को देखकर कि कभी लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं और लड़के सिर्फ 8th क्लास पास होते हैं, और इसका उल्टा भी होता है, लड़के तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। आजकल ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि लड़कियां एजुकेटेड हैं और लड़के 5 क्लास पास, 8 क्लास पास, ऐसे होता है। तो क्या होता है जब मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा होता है तो अंडरस्टैंडिंग बनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिस तरह हम अपने आउटफिट्स को अपनी फिटिंग का लेना पसंद करते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के जो स्पाउस होने वाले हैं उनकी भी फिटिंग देख लें कि उनका मेंटल स्पिरिचुअल लेवल करीब करीब है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है एक बहुत दीनदार है, वो हाई स्पिरिचुअल लेवल पर फाइज है मान लो लड़की, और लड़का बिल्कुल दुनिया परस्त है, वालिदैन ने सिर्फ दौलत कितनी कमाता है देख कर कर दिया, कितना मसला होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें भी देख लेना चाहिए। और हम लिबास को अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहकर इतनी बड़ी बात कह दिया है, इतनी अहम बात कह दी है कि आप गौर करती जाएंगी और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे कि लिबास होते हैं शौहर बीवी एक दूसरे के लिए। जैसा कि लिबास और इंसान के दरमियान में कुछ नहीं होता, यानी लिबास सबसे क्लोज़ होता है उन दोनों के बीच में, इंसान और लिबास के बीच में कुछ नहीं होता, लिबास बहुत क्लोज़ होता है, और शौहर और बीवी भी इसी तरह बहुत क्लोज़ होते हैं, और वो बिल्कुल अपने दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहते, यानी शौहर बीवी अपने मामला जो उनके पर्सनल मैटर्स हैं वो नहीं चाहते किसी दूसरे के साथ शेयर हो, तो वो बहुत क्लोज़ होते हैं। और साथ ही उनकी क्लोजनेस ये भी है कि वो किसी कि एक दूसरे से देर तक दूर नहीं रह सकते, जैसे कि हम लिबास को सिर्फ गुस्ल वगैरह करने की ज़रूरत के अलावा अपने से दूर नहीं रखते, तो शौहर और बीवी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये जो आयत है ना जिसके रेफरेंस से हम लोग बात कर रहे हैं, हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, बकरा की 187, वो बिगन कहाँ से होती है, अहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, कि रोज़े की रातों में तुम्हें तुम्हारी बीवियों के साथ मुबाशरत करना अल्लाह ने हलाल कर दिया। तो देखा अल्लाह ताला ने भी एक महीने की दूरी नहीं रखी है, रोज़े की रातों में
अलाउड है स्पाउस को कि वो एक दूसरे से हम बिस्तर हो सकते हैं, तो वो बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। लिहाजा आप सोचते जाइए और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे कि स्पाउस आर लाइक गारमेंट्स, लाइक आउटफिट्स ऑफ ईच अदर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे सिंबल दिया है ये कहकर कि एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो अपने शौहरों के साथ, आप तो सभी बीवियाँ, मेरा एड्रेस ख़वातीन से है, तो अपने शौहरों के साथ लिबास का रोल प्ले करें। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा और खुश भी हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा मैम।